गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फोरा बेट के बारे में बताना चाहता हूँ। आपको मैंने भी पहले वीडियोस में बता रखा है फोरा बेट के बारे में, तो आज हम इससे ही अर्निंग करेंगे ब्लैक जैक गेम खेलकर। तो भाई हम आ चुके हैं यहाँ पे, तो अभी देखते हैं भाई डीलर के पास 8 है और हमारे पास देखते हैं कितना है। तो अपने पास 12 है और डीलर के पास 14 और 24 हो गए, तो वापस से हमने यहाँ पे 4000 रुपये जीत लिए हैं। तो गाइस एक बार और ट्राई मारेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे गाइस मैंने 2500 रुपये फिर से जीत लिए हैं। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी कम समय में मैंने बहुत सारी अर्निंग कर ली है। तो अगर आप भी खेलना चाहते हो भाई फोरा बेट, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी जाओ गेम खेलो और पैसे कमाओ। और गाइस फोरा बेट पे फर्स्ट डिपॉजिट पर आपको 200% का बोनस भी मिलेगा, तो जल्दी जाओ। But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. अबे कौन है, कौन है भाई? मेरा मुंह किसने दबाया भाई? किसने लगाया मेरी आंखों पे यार? कुछ दिख नहीं रहा, हटाओ से। कौन है? अरे भाई यार तुम, अबे तू क्लास में कहाँ जा रहा था? तू भूल गया तुझे अपनी यूसी देनी है और आज का लंच? भाई यार लंच में बहुत भूख लगती है यार, खाना मत छीनो मेरा। ओए इसको खुराक दियो जरा। अरे भाई मत मारो यार, ये लो बैग लो, चेक कर लो पूरा। अभी ये सब क्या भर रखा है बैग में, कूड़ा कचड़ा? भाई ये सब प्रोजेक्ट का हिस्सा भाई, इसको फेंको मत यार प्लीज। ठीक है हमें जो लेना था हमने ले लिया, पर थोड़ा खर्चा देना भूल गया तेरे को। वाह भाई कितना डरपोक है। चल चलते हैं यार, अपना तो खर्चा बन गया ना आज का। तुम इतना क्लास में लेट कैसे आ रहे हो? ये टाइम है तुम्हारा आने का? अरे सर सॉरी सर, वो थोड़ा ट्रैफिक में फंसा हुआ था सर, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। चलो कोई बात नहीं, जाओ अपनी सीट पे बैठो। भाई तेरी इतनी हेल्थ कैसे कम है? लड़ाई करके आया क्या किसी से? अरे नहीं भाई यार, वो मैं गिर गया था ना, तो थोड़ी सी चोट लग गई बस। अच्छा ओए ओए सुनो, आगे एक बंदा जा रहा है, उसको पकड़ते हैं। ओ सुनो ये कहाँ जा रहा है लौंडे, रुकना। भाई यार जाने दो। अबे रोक गाड़ी रोक। हाँ भाई तेरे को रोक रहे हैं तो कहाँ से भग रहा आगे, रुक नहीं सकता 2 मिनट के लिए। बोलो भाई क्या काम है? अरे मैं ये कह रहा था कि हमारे साथ थोड़ा घूमने चल ले, घूम फिर के आएंगे मजे में। भाई यार मैं आपको तो जानता भी नहीं हूँ। अबे अभी तो बातचीत करी, जान पर्ची हो गई ना, चलो। अरे भाई रहने दो यार, नहीं जाना। अबे चलना, बताऊँ अभी यहीं पे। ठीक है भाई यार चल रहा हूँ, चलो। करवा रहे हो ये? अबे चुपचाप पी ले वरना ही शॉटगन से पेटी बना दूंगा तेरी, समझ गया? अरे यार प्लीज यार मत मारना प्लीज, मैं कर रहा हूँ। चल चालू हो जा। बेटा आज तुम इतनी लेट कैसे आए और तुम इतना अलग कैसे लग रहे हो? अरे वो पापा मैं कुछ नहीं, वो बस ऐसे घूम रहा था, थोड़ा लेट हो गया बस। और ये बदबू कैसे आ रही है तुम्हारे मुंह से? गांजा मार के आए हो घर में हैं? ये सब काम करने लग गए हो?
अरे पापा, वो मैंने नहीं किया था, कुछ लौंडे मिल गए थे, उन्होंने पता नहीं पिला दी मुझे, पता नहीं कैसे। बेटा मुझे नहीं पता था तुम ऐसा भी कर सकते हो, आज के बाद मुझसे बात मत करना। अरे मम्मी तुम भी समझाओ ना। तुम नशे करके आए हो क्या घर में? अरे मम्मी मैंने नशा नहीं किया है, वो ना वो पता नहीं कौन थे लोग, दो तीन उन्होंने मुझे पकड़ लिया और उन्होंने ही करवाया मेरे साथ ये सब। ऐसा कोई करता है क्या इरांगल में? देखो यार किसी को यकीन नहीं है मेरी बातों पे, जाने दो। जाओ अपने कमरे में। और ओए आज भी क्लास की तरफ भाग रहा है, भूल गया सामान देना है। अरे भाई यार मैं आपको ही ढूंढ रहा था यार, अब तो यहाँ पे खड़े हो। अबे तू सामान देते रही हो, पहले हमारी हाथ की खुजली मिटा। क्या मतलब? अभी बताते हैं। हाँ चल अब यूसी दे, चल अब पहली फुर्सत में निकल ले यहाँ से, पता नहीं चलना चाहिए किसी को, चल निकल। बेटा तुम रोज लेट आ रहे हो, क्या बात हो गई है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं सर, वो आज भी ज्यादा ट्रैफिक था ना इसलिए थोड़ा लेट हो गया। चलो ठीक है यार, तुम जाओ बैठो अपनी सीट पे। वो रुक रुक रुक, आज अलग रास्ते से कैसे जा रहा, रुक और गाड़ी रुक। हाँ भाई हमें देख के भाग रहा है? नहीं भाई यार मैं तो बस ऐसे ही जा रहा था अपने घर पे। तो यहाँ से कैसे जा रहा, तू तो कल वहाँ से जा रहा था। अरे कुछ नहीं भाई, मैं यहाँ से घूम के जाना था। चल आज भी चल रहे। नहीं भाई आज नहीं जाना यार। अबे चल रहा है, बोला तेरे को। ठीक है भाई यार चलो फिर। ये लोग कौन है और इसको कहाँ पे लेके जा रहे हैं, पीछा करता हूँ इनका। चलो आजा, आज एकदम नया माल लेके आए हैं, फूकने में बहुत मजा आएगा। ये ले पहले तू पी के दिखा, फिर हम पियेंगे। भाई यार ये सब मत पिलाओ यार प्लीज, मेरे पापा मेरे पे बहुत गुस्सा कर रहे थे कल। अबे ओए ज्यादा मत बोले, यही पीटी बना दूंगा, चुपचाप पी ले से। ठीक है भाई। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम मेरे बेटे को जबरदस्ती उठा के और यहाँ पे गांजा पिला रहे हो? मैं अभी पुलिस में फोन करता हूँ, तुम सब जाओगे जेल। भाई अगर इन्हें पुलिस में फोन कर देना तो ज्यादा बड़ा केस हो जाएगा, फिर तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सही बोल रहा है यार, भाई तक बात पहुँचे उससे पहले इनको यहीं पे निपटा देते हैं। क्या बोल रहा बुड्ढे, फिर से बोलियो, तुम सब जेल जाओगे? अच्छा तो ये ले फिर। ओ ये क्या कर दिया तूने साले, तेरे को नहीं छोड़ूंगा आज, तूने मार कैसे दिया मेरे पापा को, आज जान से तेरे को मार दूंगा आज। वो इसको फेंक देता है पानी में, किसी को भी इसकी बॉडी नहीं मिलेगी, फिर हम बच जाएंगे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, सर में दर्द हो रहा बहुत। अरे कोई है क्या यहाँ, मुझे बचाओ। और ये आवाज कैसे आ रही है? अरे इतना मस्त माल यहाँ नहर पे क्या कर रहा है? अरे हमारे साथ चलो, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। तुम लोग अपनी बहन के साथ भी ऐसा करते हो क्या? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी जान बचाई। अरे कोई बात नहीं दीदी, आप जाओ अपने घर पे, ये एरिया आपके लिए सेफ नहीं है। भाई आज तो मजा ही आ गया, उसकी पैंट उतार दी साले की। हाँ यार यूसी नहीं निकाल रहा था जेब से अपनी। हैं ये लोग कौन है बे? तुम तीनों से बहुत दिनों के बाद मिलकर अच्छा लग रहा है। अरे भाई आप कौन हो और हमसे कुछ काम है क्या आपको? हाँ बेटा बहुत बड़ा काम है,
तुम्हारी आज पेटी बनानी है मुझे। अरे भाई यार, हमने आपका क्या बिगाड़ा यार, प्लीज यार माफ कर दो, कुछ गलती हुई तो। हम तो आपको जानते तक भी नहीं है। अब सफाई मत दो कुछ, तुम्हारी पेटी बनना तय है। बहुत ज्यादा पंगा लेते थे स्कूल में, सारी अकड़ निकाल दी एक ही बार में। चलो ए, निकलते हैं यहाँ से। भाई पीछे देखो यार, ये कौन है? कौन है ये लोग? अबे ओए, कौन है बे तू? अबे तेरे पापा का पापा हूँ मैं। अबे वो फालतू कैसे बोल रहा है, जानता तू मैं कौन हूँ, किसका भाई हूँ मैं? अबे तू होगा किसी का भी भाई, पर तूने एक लड़के के साथ और उसके पापा के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है, तू जाएगा बेटे। ओए तुझे कैसे पता ये सब बात? बे ओ साले, मैं वही बंदा हूँ समझा, सालों मेरे पापा की पेटी बना दी तुमने, आज तो मैं नहीं छोड़ने वाला। मैं देखो और सुनो, तुम सब जोरजू पुल का जो लीडर है वो हमको एटीएम देने के लिए तैयार है सबको, पर वो थोड़ी कीमत ज्यादा ले रहा है समझे, तो कल वो पूरा एटीएम सप्लाई करेगा तो तुम सब लेके आ जाना ठीक है। हाँ बोलो ए, क्या खबर है भाई? आपको पता है आपके भाई को किसी जोकर नाम के बंदे ने मार दिया है। अबे होश में तो है, क्या कह रहा है ये? भाई मैं सच बात बोल रहा हूँ एकदम। ये है कौन जिसने मारा? भाई पता नहीं, एक नया बंदा आया जोकर नाम का, बहुत खतरनाक है भाई। इस साले की तो भाई को मारा मेरे, साले को छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। निकालो साले की डिटेल, बचेगा नहीं साला वो। गाइस अगर आप भी घर बैठे पैसे कमाना चाहते हो तो फोरा बेट का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से भाई बहुत ही कम समय में मैंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं, तो अगर आपको भी कमाने हैं तो जल्दी जाओ गेम खेलो और पैसे कमाओ। बॉस ये लोग आपको मारने आए थे, हमने इनको दबोच लिया, अब इनके साथ क्या करना है बताओ। सबर करो, पहले पूछने तो दो किसने भेजा है इनको। हाँ भाई किसने भेजा मेरे को मारने के लिए, बताओ जल्दी। जोकर, हमें काउबॉय ने भेजा है तुम्हें मारने के लिए। काउबॉय ये कौन है? काउबॉय बहुत ही खतरनाक इंसान है, वो तुम्हें मारना चाहता है। मेरे को क्यों मारना चाहता है, मैंने क्या बिगाड़ा उसका? तुमने उसके भाई को जो मारा था पहले पार्ट में। अच्छा वो उसका भाई था? हाँ वो उसी का भाई था। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी देख लेंगे। जोकर तुम काउबॉय को हल्के में मत लो, एक बार उसने बहुत ही बुरा काम किया था। अच्छा क्या किया था? बताता हूँ, एक बार काउबॉय को 3 पुलिस वाले पकड़ने आए थे, उनमें से 2 बंदे उससे कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे, तो काउबॉय का मूड सनक गया और उसने एटीएम निकाली, दोनों को नॉक कर दिया। और तीसरा वाला बहुत होशियार पुलिस वाला था, उसने काउबॉय को भला फुसला के जेल में बंद कर दिया ले जाके, और उसके बाद उसके सारे लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां पे हल्ला मचाने लगते हैं, और जैसे ही पुलिस वाले सारे बाहर आते हैं उन सब की पेटियां बना दी जाती है। सारे पुलिस वालों की, और काउबॉय को किसी चीज का डर नहीं है, ना पुलिस वालों का ना तुम्हारा, बस वो तुम्हें मारना चाहता है। मेरे को मारना बहुत दूर की बात है, पहले तुम लोग तो मर जाओ। बॉस अभी क्या करना है इस काउबॉय के साथ? कुछ नहीं, तुम उसके जितने भी बड़े बड़े अड्डे हैं उसकी डिटेल्स निकाल के मुझे दो, मेरे को जो करना है मैं करके आ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करना। जी बॉस समझ गया। बॉस ये 3 लोग वहाँ पे माउंटेन ड्यू पी रहे थे चोरी करके, बताओ क्या करना है इसके साथ? तुम सालों को सिर्फ इसी चीज की पड़ी है, वहाँ पे जोकर ने हमारे 3 लोगों को मार दिया तो मैं कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब तुम लोग ध्यान से मेरी बात सुन लो, जितने भी हमारे अड्डे हैं वहाँ पे टाइट सिक्योरिटी कर दो, साला कोई भटक ना पाए वहाँ पे, समझ गए? ठीक है सर, और इन 3 को क्या करना है? अभी बताता हूँ, बस कर दिया जो करना था, अब जाओ जो मैंने बोला वो करो। अबे भाई ये कौन है? पता नहीं यार, बस इतने ही लोग हैं मेरे स्वागत के लिए। चलो कोई नहीं, ठिकाने लगाता हूँ इनको पहले। Na 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 na
बॉस आप यहाँ पे पार्टी कर रहे हो और वहाँ पे जोकर हमारे अड्डों को तबाह कर रहा है। अबे क्या बात हो गई, फिर से बता। अरे वो है ना अपना प्रेमोस्की का अड्डा, वहाँ पे अपने लोगों को मार दिया जोकर ने, बोलो अब क्या करें। अबे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेरे पास एक ऐसी चीज है जो जोकर को एक सेकंड में घुटने के बल ला सकती है, समझा? तो तुम जाओ, सारी सिक्योरिटी मेंटेन करके रखो, ठीक है? और इस जोकर को कैसे मारना है वो मैं जानता हूँ, जाओ। ठीक है बॉस, मैं समझ गया। हाँ भाई, उसको दौड़ा दौड़ा के मारने में बहुत मजा आया था। अबे ये कौन आ रहा है? कौन है? अबे ये तो जोकर है बे। मुझे ये समझ नहीं आता जोकर तू यहाँ पे क्यों आ गया, तुझे पता है जब तुझे मारने वाले इतने लोग हैं इधर तब भी? अबे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम 10 हो या 20 हो, मुझे बस इस जगह को तबाह करना है, करके दिखा दे तेरे बस की है तो। सब्र करो। की पार्टी वाला एरिया, इसको तबाह करने में मजा आएगा। भाई ये तो जोकर है, इसको घेरो जल्दी से, भगना नहीं चाहिए यहाँ से। जोकर ये काम तूने बहुत अच्छा किया यहाँ पे आके, अब हमारे बॉस हमसे खुश होंगे। अबे सालो पहले पकड़ तो लो मुझे। हेलो, कौन? मैं काउबॉय बोल रहा हूँ। जोकर, अगर तुम्हें अपनी माँ को सही सलामत देखना है ना, तो जल्दी से प्रिजन आ जाओ। अगर अकेले नहीं आए तो तुम समझ लेना तुम्हारी माँ के साथ क्या होगा। आने दे साले जोकर को, इसके माँ के सामने उसकी पेटी बनाएंगे। आ जाओ मुन्ना, आ जाओ। बहुत आतंक मचाया ना, अब आतंक बचाने के लिए नहीं रहेगा तू, तेरी माँ देखेगी तुझे मरते हुए यहाँ पे। अबे ओ काउबॉय, आवाज नीची करके बात कर, अभी 30 सेकंड के अंदर यहीं पे देखियो तेरे साथ क्या होता है। अच्छा, क्या बिगाड़ लेगा तुम्हारा? सब कुछ। अभी ये कहाँ गए जोकर? अभी यहीं तो था। अबे ढूंढो सालो, कहाँ है ये? अभी ये हेलीकॉप्टर कहाँ से आ गए? मारो बे गोली मारो, क्या देख क्या रहे हो? साला पता नहीं कहाँ से आ गई ये हेलीकॉप्टर। मेरे पीछे कौन है? अबे तू साले कहाँ गया? वो गया था एकदम से। बस किया तो सामने आके लड़ना। ले आ गया तेरे सामने, मार मार के दिखाना क्या हो गया, पीछे क्यों जा रहा है। सालो मेरी माँ को किडनैप करोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, चल तेरे को एक चांस और देता हूँ। 3 तक गिनती पे दोनों गोली साथ में चलाएंगे और जो बच जाएगा वो राज करेगा, समझ गया? हाँ ये सही है, चल स्टार्ट करते हैं। 3 बेटा, तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थे? अरे नहीं मम्मी, मैं बच गया था, पर मैं आपके पास आने की हालत में नहीं था, और जो मेरे साथ हुआ था उन चीजों से लड़कर मैं आज ऐसा बन गया। कोई नहीं, चलो चले मम्मी यहाँ से।
अरे बेटा कितनी देर तक सोएगा, उठ जा। अरे क्या हो गया मम्मी, कैसे परेशान हो रही हो? जा बाजार जाकर सामान लिया। ठीक है मैं अभी लेके आता हूँ। अबे भाई सीधी गाड़ी चला ले, किसी को ठोक मत दियो गलती से भी। ओए 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 लड़के हट जा सामने से, हट जा। अबे ये क्या कर दिया इन्होंने? भाई तू ठीक तो है ना? भाई अभी एक मिनट में पेटी बन जाएगी यार मेरी। कोई दिक्कत नहीं, मैं रिवाइव दे रहा हूँ। शुक्रिया यार आपने रिवाइव दिया। अबे ओ साले आवाज लगा के बता रहे हैं गाड़ी आ रही है, हट जा। तो साले सुन क्यों ना, बहरा बहरा है क्या? ओ भाई सुन, तू ना अपने घर जा, मैं इनसे बात कर लूंगा। ठीक है भाई। अबे साले जब गाड़ी चलाने नहीं आती ना तो काहे को लेके निकलते हो? अबे ओए चिड़िया के घोंसले, साले गाली कैसे दे रहा है? साले अभी माफी मांग वरना यही तेरी पीठी बना दूंगा। कभी भी किसी का हुलिया देख के उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाने का, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है, हुलिया ही बदल डालता है। इतना टाइम क्यों लगा दिया सामान लाने में? अरे कुछ नहीं मम्मी, वहाँ पे बहुत भीड़ लगी थी इसलिए लेट हो गया। तो सच बता, जोकर वाला काम फिर से तो नहीं चालू कर दिया? अरे ये सब क्या कह रही हो, तुमसे मैंने प्रॉमिस कर रखा है ना, तो मैं क्यों तोड़ूंगा? वो मुझे और भी काम है, मैं कमरे में जा रहा हूँ। तुम लोग गांजा बेच के कितना प्रॉफिट हुआ हमारा, सब दिखाओ इधर। मालिक यही सब है आज का। सालो आजकल माल बहुत कम बिक रहा है, सही से ध्यान दो काम पे। मालिक साहब। हाँ बोलो। छोटे साहब ने फिर से नशा किया और तीन लोगों की पेटी बना दी और हवा में गोली चलाए जा रहे हैं। अबे इसने फिर से नशा चालू कर दिया, चलियो जरा। ओए ओए रुक जा आराम से बात कर, पहले इसको अंदर रख। साले तेरे को बोला था ना नशा मत करियो, फिर से करके साले हमारी लोगों की पेटी बना रहा है। अरे क्या हो गया पावा, तुम्हारा तो पूरा गोदाम है, एक पुड़िया चुरा ली तो कौन सी आफत आ गई। ये साला ऐसे नहीं समझेगा, इसको बताना ही पड़ेगा। वो अब मेरी बात सुन साले, आज के बाद नशा किया ना यहीं तेरी पेटी बना दूंगा, ना लाए। बुड्ढे की हिम्मत कैसे हो गई, मेरे पे हाथ उठाया उसने, आज उसको नहीं छोड़ूंगा। साले बुड्ढे चैन की नींद सो रहा है। बुड्ढे तू मेरे को मारेगा, तेरी इतनी हिम्मत, आज के बाद कभी हाथ नहीं उठा पाएगा साला। अरे भाई ये चौड़ में इतनी गाड़ी चला के आ रहे हैं, कौन है ये? अरे भाई ये रैंगल के माफिया का बेटा है, इसका बाप ना बहुत बड़ा डॉन था पर वो मर गया कुछ ही दिनों पहले, अब इसका बेटा हैंडल करता है सब, और ये साला ना बहुत ही ज्यादा बुरा है। अच्छा सच में? भाई मुझे तो पता चला है कि अपने बाप को ही मार दिया इसने। ये तो साला पागल है एक तरह से फिर। हाँ भाई सही बोले। ओए साले कोई फालतू नहीं बोलेगा मेरे से, ओए साले लाल टोपी तेरी तोड़ दूंगा मैं। ये साला कौन बोला? अबे तेरी इतनी हिम्मत साले, तूने मेरे को बोला? अभी बताता हूँ रुक जा। अरे भाई मैं किसी और को बोल रहा था, मैंने थोड़ी सी चिड़ा रखी है तो मिस्टेक हो गया। साले तेरी मिस्टेक आखिरी बार थी, अब तो तेरे को कुत्ते की मौत मारूंगा। ओ सालो तुम में से कोई हिलना नहीं चाहिए, चुपचाप बैठ के तमाशा देखो बस। साले अगर यहाँ से हिल गया ना, इस सारी की सारी यूजी के हम तेरे वहीं डाल दूंगा, याद रखियो। ओ भाई रोड से हट जा यार, वो गाड़ी आ रही है तेरे को मार के चली जाएगी। ओ भाई हट जा वहां से। अबे वो साले हल्ला कैसा मचा रहा है, बैठ यहीं पे, बनाऊं क्या तेरी पेटी? भाई भाग लो, ये मारवाड़ देंगे भाई, भागो। सालो तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया, बहुत पछताओगे।
भाई ये तो जोकर है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, इस समय हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अबे हट साले को अभी मारता हूँ, रुक जा। अरे बॉस ठंडे दिमाग से काम लो, प्लानिंग करके मारेंगे इसको बाद में, अभी के लिए चलो यहाँ से। सालो जाओगे कहाँ भग के, वापस तो आओगे कभी ना कभी। वो साला था कौन, मुझे जिंदा चाहिए वो, यहीं पे गोली मारूंगा साले को, चाहे जितने चाहे आदमी ले जाओ, मुझे जिंदा चाहिए। पर वो ठीक है बॉस, आप शांत हो जाइए, मैं अपने लौंडे लोग भेजता हूँ उसको पकड़ने के लिए। ओए तुम लोग जाओ रे, पकड़ के लेके आओ साले को। बॉस उस साले ने सबको मार दिया, तुम सालों की फटती है जोकर थे, इसलिए तुम कुछ नहीं कर पाते। इस बार मैं चलता हूँ, इस साले की ऐसी हालत करूँगा ना कभी भूल नहीं पाएगा मुझे। जोकर भाई क्या ही पहले थे तुम यार, उस रेड वाले जोकर के बंदों को, बस उस रेड वालों को निपटा दो हम लोग आजाद हो जाएंगे। उस साले ने पूरे रंगल में आतंक फैला रखा है, बस उसको निपटा दो कैसे भी। अरे सबर करो, उसको भी निपटा देंगे कभी, अभी के लिए मेरे को घर जाने दो ठीक है, तुम लोग डांस करो अपना। अरे भाई ये बुरा जोकर कहाँ से आ गया इधर? तुम सालों की पेटी बनाने आए हो इधर? अबे वो साले तू अकेला है और हम देख कितने सारे हैं, चुटकी में मार देंगे यहीं पे तुझे। अच्छा चलो देखते हैं। अरे तुम लोग कौन हो? पहले अंदर तो चलो मैडम। मारो बे से। मैडम तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम अपनी बेटे की वजह से मरी हो, पर कोई नहीं, तुम्हें मार के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस समय। अभी ये सब क्या हो रखा है इधर? घर में देखता हूँ जाके जल्दी से। मम्मी हेलो, रेड जोकर बोल रहा हूँ, क्यों कैसा लग रहा है समय? साले कुत्ते जहाँ पर भी हो तू, तेरे को ढूंढ के निकाल के मारूंगा साले। चल चल ठीक है, जब रोना बंद हो जाए ना आ जाइयो मेरे पास। Thank you.
आखिरकार तू आ ही गया ऊपर तक, मेरे को लगा नहीं तू बचेगा इनके आगे। साले आज तू कुत्ते की मौत मरने वाला है। अबे उठ, तू तो मारने आया था ना मुझे, बस निकल गई हवा इतने में ही। साले तेरे को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। अबे अभी पिटा है, अकल नहीं आई फिर पिटना चाह रहा लग रहा है। अबे ये स्मोक किसने की बे, साला कहाँ गया ये, साला गायब हो गया यहाँ से। तू साले किसी भी मैप में चले जा, तू साले बचने वाला तो है नहीं मुझसे, तेरी पेटी मैं ही बनाऊंगा। चलो भाई इनको तो मैंने बचा लिया जोकर से, वरना इनकी तो पेटी बन जाती उस दिन, पता नहीं कब जगेंगे। ओ राहुल घर से बाहर निकल बे, साले हमारी यूसी खा के भग गया यहाँ से, और इतने दिनों में घर आया, बाहर निकल। अबे ये कहाँ से पहुँच गई है, देखू जरा इनको। हमारी यूसी लेके भाग गया तू, तेरी इतनी हिम्मत हो गई, हमारी सारी उसी चाहिए जितनी भी ले गया है, वरना तेरी यहीं पे पेटी बनाऊंगा साले आज। अबे भाई हल्ला मत मचा यार, भाई जग जाएंगे अंदर सो रहे हैं। अबे कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे यूसी से मतलब है। अबे इतनी तेज की कौन चिल्ला रहा है बाहर, देखता हूँ चल के कौन है। अबे ओए ये सब कौन है बे। अरे भाई तुम जग गए, ये ना मेरे पुराने दोस्त हैं, इनका थोड़ा सा यूसी में लेके भाग गया था, वही हल्ला मचा रहे हैं भारी। अच्छा हट जा मैं बात करता हूँ इनसे। हाँ वे तुम्हें अपनी पेटियां बनवानी है क्या यहाँ पे। वे तू कौन है बे और तेरा नाम क्या है। तेरे को एक सेकंड में पता चल जाएगा। अरे भाई तुमने ये क्या किया, ये बहुत खतरनाक गैंग्स हैं, तुम जानते नहीं हो ने। किसकी गैंग के लोग हैं ये बता पहले। अरे वो यहाँ की बहुत बड़ी बॉस है, उससे कोई भी पंगा नहीं लेता, और तुमने तो उनके आदमियों को मार दिया। मुझे उसका एड्रेस बता जल्दी। अरे भाई रहने दो पंगा मत लो। तू बता रहा है कि तेरी भी पेटी बनाऊं। ठीक है भाई बता रहा हूँ रुको। अरे ये कौन है और ये अंदर कहाँ आ रहा है। अरे मैं वो हूँ जिसने तुम्हारे लोगों की पेटियाँ बना दी। फिर तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पे आके, तुम्हारी पेटी तो बहुत बुरी तरह बनाऊंगी। अच्छा मेरी पेटी बनाने से पहले कहीं इन सभी की पेटी ना बन जाए। अच्छा तो तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने खड़े होकर इन सबकी पेटियाँ बना सकते हो। तुम अभी मुझे अच्छी तरह जानती नहीं हो, पर कोई नहीं तुम्हें करके ही दिखाता हूँ। क्यों कैसा लगा। मेरे को तो मजाक लग रहा था, पर तुमने सबकी पेटी बना दी इतनी जल्दी। क्या करें है ही हम इतने खतरनाक। तुम तो काफी पावरफुल हो, और मैं ऐसा ही बॉयफ्रेंड ढूंढ रही थी कई दिनों से। मैंने तुम्हारे सारे लोगों की पेटियां बना दी इधर, और तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो, बहुत ही अच्छा मजाक कर लेती हो। नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रही। अच्छा तो फिर ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, इस जगह का मुझे पूरा कंट्रोल चाहिए, और जैसा मैं कहूँगा वैसा ही तुम्हें करना होगा। ठीक है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगी। अच्छा जो भी तुम्हारे खास आदमी हैं उन सभी को इधर बुलाओ जल्दी, मुझे कुछ बात करनी है उनसे। तुम सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, इरेंगल में मेरा एक बहुत ही बड़ा दुश्मन है जिसका नाम है जोकर, और उसको वहाँ से उठाकर यहाँ पे लेके आना है मेरे सामने, ताकि मैं उसे अपने हाथों से मार सकूँ। तो तुम लोगों का काम है इरेंगल जाओ और उसको पकड़ के कैसे भी यहाँ पे लेके आओ मेरे सामने, ठीक है। जी बॉस हम समझ गए। अब तुम ये सब क्या कर रही हो। तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है ये बोल रही हूँ। अच्छा ये सब बाद में करना, पहले काम पे ध्यान दो। अरे ये रास्ते में कौन पड़ा हुआ है। हेलो भाई ठीक तो हो तुम। वो एक जगह खड़े रहो, ये चला कि नहीं कुछ भी। अरे भाई क्या बात हो गई, सारे गने मेरे पे क्यों कर रहे हो। साले तू ही जोकर है ना, बॉस ने बताया था हमको, इसको लेके चलो रे वहीं पे देखेंगे इसका सब। जरूर भाई अपने बॉस से एक बार मिलवाओ मुझे। चल चल लेके चल इसे। तू हमसे मिलना चाहता था ना, ले तेरे सामने खड़े हम। अबे तू तो एकदम सिंपल सा आदमी है बे, तू रेड जोकर का इतना बड़ा दुश्मन कैसे बन गया, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। अरे भाई मेरी दुश्मनी किसी से भी नहीं है, प्लीज यार मुझे छोड़ दो,
अबे जब तेरी पेटी बनेगी ना तभी तू आजाद होगा। नहीं भाई ऐसा मत कहो यार प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। अबे ये सब क्या हो गया? अबे घबरा मत, सब कुछ ठीक है, बस तेरी पेटी बनने वाली है। अरे जोकर भाई बताओ कहाँ है वो साले, छोड़ दिया क्या उन लोगों ने तुम्हें? जाओ ऊपर जाके पूछ ले। अरे भैया इन सब की तो पेटी बना दी अकेले, सही है। आ जाओ बेटा आ जाओ, किरंगल में तुम्हारा स्वागत है। खबर मिली थी मुझे तुम लोग आओगे। अबे यही है क्या जिसको पकड़ के ले जाना है? हाँ भाई यही है। अबे ये तो अकेला है, मुझको तो लगा पूरी गैंग में आ गई। अरे ओ बेटा तुम सभी के लिए मैं अकेले ही काफी हूँ। अरे भाई इसको मजाक करना भी आता है क्या? हाँ बहुत अच्छी तरह आता है, करके दिखाता हूँ रुको। हेलो। अबे वो साले जोकर के साथ घूम रहा है, तेरी बीबी अकेले घर पे थी, उसको उठा के लेके आए हम पोचंकी में। जोकर को लेके आई हो साथ में, वरना इसकी पेटी बना देंगे। अबे टेंशन में कैसा लग रहा है, क्या बात हो गई? अरे भाई उसने हमारी बीबी को घर से उठा लिया है और बोल रहा है कि जोकर को साथ में लेके आओ वरना उसकी पेटी बना देंगे। वो टेंशन मत ले, मैं चल रहा हूँ ना तेरे साथ में, चल दिखा कहाँ पे। तुम साले यही काम कर सकते हो, लड़की को किडनैप करना, और कुछ आता भी है तुम्हें? क्या करे जोकर, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता ना, इसलिए तेरे को बुलाने के लिए इसको किडनैप किया। पर तूने एक गलती कर दी, तू गन्स वगैरह नहीं लाया क्या अपने आप को बचाने के लिए? चल कोई ना, तुझे ऐसी घसीट के ले जाऊंगा रेड जोकर के पास। पहले लड़की को छोड़, उसके बाद तू जहां भी ले जाएगा ना वहां पे चल दूंगा मैं। ए चल पीछे निकल। शुक्रिया भैया जी आपने मेरी जान बचा ली। कोई बात नहीं, तुम अपने पति के साथ जाओ, पीछे खड़ी हो जाओ। ठीक है। वो आजा लड़की छोड़। वहीं पे जाके मारना पड़ेगा। पर बॉस कैसे, वो तो तुम्हें हर रूप में पहचान लेगा, ये वाले में भी और जोकर वाले में भी। पर इस हुलिया में नहीं पहचान पाएगा वो। बॉस तुम तो एकदम गिरगिट हो, क्या ही रूप बदलते रहते हो। हेलो। अरे
मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया था, कहाँ हो इतनी देर से? मैं बस अभी घर से निकली हूँ, तुम्हारे पास ही आ रही हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। चलो ठीक है, जल्दी आओ। वे तू कोने पे, पर अंदर कैसे आ गया? अरे सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे पता चला कि रेड जोकर इधर है तो मैं आपसे मिलने के लिए चला आ गया, और मैं बस आपको एक ट्रिक दिखाने आया हूँ इधर। कौन सी ट्रिक दिखाना चाहता है? बस एक सेकंड करके दिखाता हूँ। कैसी लगी ट्रिक? अबे तू, और यहाँ पे अकेले पहुँच गया? हाँ साले, तुझे जो मारना था। इस बार मैं नहीं मरूंगा, मेरे हाथ में भी पेन है। इससे नहीं, गन से जरूर मरेगा अब। अब नहीं भाग सकता बेटा आगे। भाग कौन रहा है, मैं तो तेरे को यहाँ पे लेके आना चाहता था। गन से तो कोई भी लड़ लेगा, तेरे में दम है ना, हाथ से लड़के दिखा। नहीं, मेरे में दम नहीं है, मैं हाथ से नहीं लड़ता, गन से ही बात करता हूँ। अबे रुक रुक साले, कहाँ भाग रहा है, रुक। मैडम हम तो बस चाय पीने गए थे, और वापस आके देखते ये सब मरे हुए हैं। अब तुम लोग भी क्या करोगे जिंदा रह के? ये जोकर जो भी है, ये बहुत पछताने वाला है। मैडम आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम जोकर को वहां से उठा के यहाँ पे लेके आएंगे। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं उसको वहीं पे जाके मारूंगी। अरे मैडम, अगर आप वहाँ पे गई ना तो आपके पापा हमें मार देंगे। ओ अच्छा, तुम्हें मरने का डर है, तो ये डर मैं निकाल देती हूँ तुम्हारा। तुम एक काम करो, सैनोक में चीता को फोन लगाओ। ओके। हेलो, कौन? मेरट क्वीन बोल रही हूँ, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना है। बोलिए मैडम, क्या काम है आपका? इरेंगल में एक जोकर नाम का बंदा है, तुम उसे कैसे भी पकड़ लो, और जब पकड़ लो तब मुझे बता देना, मैं उसके पेटी अपने हाथों से बनाऊंगी। ठीक है, आपका काम हो जाएगा ये। चुपचाप ही उसे निकाल दे, वरना मार मार की यहीं पे तेरी पेटी बना दूंगा आज मैं। निकाल ही उसे, निकाल, जल्दी निकाल। अबे उतरी जरा, ये क्या कर रहे हैं इधर? ओ सालो, ये क्या कर रहे हो, एक अकेली लड़की को मारते हो? रुको सालो। भाई जल्दी भाग वरना मरेंगे। कहाँ भाग रहे हो सालो, रुको अभी बताता हूँ। शुक्रिया भैया, आपने मुझे बचाया। अरे ये लोग कौन थे और तुम्हें क्यों मार रहे थे? पता नहीं कौन लोग थे ये, मुझको पकड़कर मुझसे यूसी छीन रहे थे। ओ अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अब से ये तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। ओए ये किसने चलाई गोली? ओ कौन है? ओए सामने आके मारता क्यों नहीं है, पीठ के पीछे से क्या चला रहा गोली? इसको बोलते है चलाकी।
आखिरकार पकड़ा ही गया ना। चलो चलो जल्दी से लेके चलो इसे, वरना इसके बंदे आ जाएंगे। सही कहा, इसको जल्दी से ले चलो यहाँ से। बहुत बढ़िया मेरे लड़को, बहुत अच्छा काम किया, रेड क्वीन बहुत खुश होगी। सालों गन नीचे करो वरना पेटियां बना देंगे। अरे हंटर भाई, आप यहाँ पे कैसे? कुछ काम था तो मुझे बुला लेते, आप क्यों तकलीफ करे इतना? अबे वो साले चीता जिसको पकड़ के लेके आया ना इधर, मेरा जिगरी दोस्त है ये, तेरी हिम्मत कैसे हुई बे? सुन मेरी बात, आज के बाद यहाँ पे दिख गया ना, इतना मारूंगा कि खुद की पेटी बनवाने के लिए तू तरसेगा, समझ रहा है? चल निकल ले यहाँ से। ओ जोकर उड़ जा, होश में तो है, चल उड़ जा। भाई मेरे सर में किसी ने मारा था यार, और मैं सैनो कैसे आ गया इधर? कुछ नहीं, छोटे मोटे लोग थे उनका हिसाब कर दिया मैंने, तू चल ही रैंगल चलते हैं। हेलो। अरे मैडम आपने कहाँ फंसा दिया? आपने बताया क्यों नहीं कि हंटर भाई का दोस्त है वो जोकर? मेरी पेटी बनते बनते बची है, आपने बताया होता ना तो मैं कभी नहीं करता ये काम। मैं जा रहा हूँ सब कुछ छोड़ के, मुझे अपनी पेटी नहीं बनवानी। इसकी तो बहुत बुरी तरह फट गई है, लगता है मुझे ही रैंगल जाना पड़ेगा इस जोकर को मारने के लिए। अरे जोकर, इस हिस्से में देख के कर क्या रहा तू? कुछ नहीं, मैं पुराना वक्त याद करता हूँ कि कहाँ मैं एकदम सिंपल सा बंदा था और आज मैं इतना खतरनाक हो गया हूँ। भाई वक्त सब बदल देता है, समझा? चला नीचे चल रहे, तेरे लोग इंतजार कर रहे हैं। हेलो जोकर भाई। हाँ वही, क्या हुआ? अरे आपको पता नहीं कि रेड क्वीन यहाँ पे आ गई रैंगल में, और उसने मिलिट्री और जॉर्ज पुल में आतंक मचा के रखा है, करना क्या अभी बताओ जल्दी। वो मेरी बात सुन, तू जा जॉर्ज पुल, मैं जा रहा हूँ मिलिट्री, मैं देख लूंगा कौन है रेड क्वीन, ठीक है? चल सही है फिर। अबे सालो कुत्तों की तरह पीछे क्यों पड़ रहे हो, यूसी चाहिए क्या तुम सबको भी? अबे सालो तेरे को मार के तो रेड क्वीन से बहुत सारी यूसी मिलेगी हमें, है छोटी सी फिलेट से क्या कर लेगा? चला के दिखाता हूँ, देखियो क्या होगा। ओ अच्छा, तो तुम ही हो रेड क्वीन? मैंने तो जोकर को बुलाया है, तुम कौन हो? ये सब बातें अब मरने के बाद करना। अच्छा देखते हैं कौन मरता है। क्यों, हवा निकल गई इतने में ही? बस इतने ही लोग, ये सभी तो मच्छर हैं। Thank you.
तो गया साले आज। ये कैसी आवाज थी साले? तूने इसको गोली मार दी? पूरा नहीं मारा है, शुक्र मना। तू तो गया साले, अब तेरी बारी है, तू भी गया। चल ठीक है जोकर, बस यहीं तक था तेरा सफर, चल बाय बाय। साले मेरे रहते हुए कैसे मार देगा ये? साला पहले पार्ट से ही भाग रहा है, बनाओ साले की पेटी अब। अब इसका क्या करना है? इसको छोड़ देना, क्या करेंगे इसका, वापस आके मारेगी नहीं है? देख लेंगे इसको भी। चल ठीक है, चल रहे हैं। अबे सालो ये सब कैसे हो गया? सालो बड़े साहब को पता चलेगा ना, हमारी जिंदा पेटी बना देंगे वो। अरे भाई बड़े साहब को बताना ही क्यों है, मैडम को बता देते हैं, वो कम से कम छोड़ तो देंगे हमें। ठीक है अभी बोलता हूँ इनको फोन लगा के। हेलो, हाँ मैडम जी, यहाँ पे आपकी बेटी को पता नहीं किसी ने मार दिया चर्च में। पूरा नहीं मारा, मतलब सांसें चल रही हैं अभी भी, बस बेहोश है। ठीक है आप जल्दी से आ जाओ। किसने किया ये सब? मैडम पता नहीं कैसे हुआ ये सब, हमें तो खबर मिली थी कि छोटी मैम सब यहाँ पे हैं, हम लोग यहाँ पे देखने आए तो ये यहाँ पे बेहोश पड़ी थी, तो हमने आपको बता दिया। मेरी प्यारी सी बेटी पर हाथ उठाया उन लोगों ने, उनको तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। तुम सब लोग ढूंढने लग जाओ उनको, और जैसे ही मिले मुझे बताना। ठीक है मैडम। उन लोगों की पेटी तो मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। अबे हाँ यार, कल वहीं गया था मैं। अबे देखो ये हंटर भाई आए। और लौंडो क्या समाचार है आज के? अरे हंटर भाई आपको पता है, जिस रेड को इनको आपने मारा था ना गोली से, उसकी एक माँ भी है, उसकी माँ बड़ी खतरनाक है मैंने सुना है। वो औरत ना तुम्हें ढूंढ रही है और जोकर भाई को भी ढूंढ रही है, और उसने ये भी कहा है जहाँ पे दिखे ना वहीं पे पेटी बना देगी वो। अबे कोई दिक्कत नहीं, आने तो दे उसे, तब बताता हूँ मैं। अरे हंटर भाई आगे चल के सर दर्द बन जाएगी, आप बोलो तो हम उसका काम तमाम कर देते हैं, बोलो। ये भी बात ठीक है, आगे मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए। चलो ठीक है जाओ, ठिकाने लगा दो उसे। ठीक है हंटर भाई। अगर बचना चाहता है तो ये बता किसने भेजा तुझे? अरे मैडम मुझे मत मारना, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मुझे भेजा है हंटर भाई ने आपको मारने के लिए। अच्छा चल ये भी बता कहाँ मिलेगा ये? वो लड़की कौन है तू, और यहाँ पे क्या कर रही है? तुम लोगों से ही मिलने आई हूँ। थोड़े ही बंदे हैं, और सब किधर है? कोई दिख तो रहा नहीं है। तुम्हें दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि सारे बंदों की फील्डिंग मैं सेट करता हूँ, तुम्हें एक बार करके ही दिखाता हूँ। Oh, 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 oh
मैं पूरा मारूंगी। ठीक है, पर यहाँ पे जगह छोटी है, यहाँ पे लड़ाई नहीं हो पाएगी। चलो दूसरी जगह पे चलते हैं। अब यहाँ पे लड़ो जितना लड़ना है मेरे से। क्यों, यहाँ पे ऐसा क्या खास है? अरे ये अपना पूरा अड्डा है, यहाँ पे अपना राज चलता है। क्यों हैरान क्यों हो गए बंदे देख? सारे लोगों की पेटी बना दी, तुझे तो खंजर से ही मारूंगा मैं। अरे बच गई ये तो। इतना आसान नहीं है मुझे मारना। वो तो देखी जाएगी, उसका भी मैं काम तमाम करवाती हूँ। तुम लोग सुनो, यहाँ से भागने नहीं चाहिए, इसको पकड़ के रखो इधर। अरे जोकर भैया एक बहुत बुरी खबर है। अबे क्या हो गया, क्या बात हो गई? आपको पता है जिस रेड क्वीन को हंटर ने मारा था उसकी माँ आ गई है, और जो हंटर भाई है ना उनको उनके ही अड्डे से उठा के ले गई, और अब वो तुम्हें ढूंढ रही है मारने के लिए। अच्छा ऐसी बात है, कोई नहीं मैं देख लूंगा इसको। तुम लोग यहाँ पे ध्यान रखो, मैं जाता हूँ। अभी ये लोग कौन है? ये साले तो फुल प्लानिंग के साथ खड़े हैं। चलो कोई नहीं, देखी जाएगी। उसकी माँ है डार्क क्वीन नाम से, और वो बहुत खतरनाक भी है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, देखी जाएगी, चल साथ में। आज या तो वो रहेगी या हम। नमूनो, अरे कौन बोल रहा है बे? Thank you.
गर्मी लग रही है बहुत। चल ठीक है चल,